Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of chemistry. So it is Career Planet. I am your chemistry mentor Shaili ma'am. और chapter continue कर रहे हैं हम general organic chemistry. हिंदी में पढ़ रहे हैं सामान्य कार्बनिक रसायन. तो बच्चों सामान्य कार्बनिक रसायन में हमने last turn पे IUPAC naming पढ़ी थी. IUPAC naming में हमने hydrocarbon और alkane की naming पढ़ी थी. कुछ rules मैंने समझाए थे. मैंने कहा था जैसे जैसे examples आएंगे वैसे वैसे आपको नियम बताती चलूंगी. ठीक है, पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, आई होप कर लिया होगा. नहीं किया तो कमेंट में बता देना कि पिछली क्लास का होमवर्क बाकी है. ठीक है, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं. आज हम कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेने वाले हैं IUPAC नेमिंग में. लाइक कैसे, तो देखो पहला केस जो हम ले रहे हैं वो ऐसा ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई IUPAC नेम है ना, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, और उसमें अपनी श्रृंखला है. मतलब मैंने आपको कहा था कि भाई देखो कोई भी IUPAC नाम लिखते हो ना तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दो. फिर मैंने कहा था प्रतिस्थापी को न्यूनतम नंबर दो, है ना. और प्रतिस्थापी मतलब एक तरफ से मिथाइल आ रहा है एक तरफ से इथाइल आ रहा है और सेम पोजीशन पे है तो अल्फाबेटिकल चल लो. मान लो इधर दो नंबर पे क्लोरो है, इधर दो नंबर पे ब्रोमो है, तो फिर ब्रोमो को पहले दो. ऐसे कुछ नियम हमने पढ़े थे. ठीक है ना, अब हो क्या रहा है कि आपके पास प्रतिस्थापी के रूप में मैथिल एथिल प्रोपिल नहीं है, आपके पास आइसोब्यूटिल है ना, नियोपेंटाइल है, या छः कार्बन वाला प्रतिस्थापी है जिसमें चार कार्बन की चेन है, दो ऊपर नीचे है. मतलब प्रतिस्थापी में खुद की शाखा है, आप क्या करें, है ना. तो आज का हमारा केस है, पहला केस, रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट. मतलब हमारे पास एल्किल प्रतिस्थापी समूह है लेकिन उसमें भी इस कार्बन की खुद की श्रृंखला है, तो क्या करें, तो उसकी भी नंबरिंग कर देंगे. हमें तो पता है, हमारे को तो न्यूनतम अंक देना है. तो अगर प्रतिस्थापी में खुद की श्रृंखला हो तो क्या करें, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा प्रतिस्थापी है बच्चे, है ना, प्रतिस्थापी के रूप में ये है. तो प्रतिस्थापी मतलब जो श्रृंखला के बाहर है, श्रृंखला के बाहर है तो एक वैलेंसी खाली तो करूं, हैंग तो करना पड़ेगा. तो ये प्रतिस्थापी है और यहां से वैलेंसी खाली, तो आपको क्या करना है, फ्री वैलेंसी, खाली वैलेंसी को नंबर वन देना है. अब वन दो चाहे वन डैश जो वो तुम्हारी इच्छा है, तो ये वन और ये टू, खाली वैलेंसी वाले कार्बन को या कनेक्टिंग कार्बन को नंबर वन दे दो और लॉन्ग चेन फिर बना दो. ठीक है, बना दिया तो मैं कहूंगी ये दो की चेन है और वन पे मैथिल है. तो बच्चे अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में है जिसको हम वैसे तो आइसोप्रोपिल द्वितीय प्रोपिल पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इसका IUPAC लिखना है तो ये है वन मैथिल एथिल. क्या बेटा, वन मैथिल एथिल, समझे ना, क्यों वन मैथिल एथिल क्यों है, तो हम कहेंगे देखो वन मैथिल एथिल बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि जहां से कनेक्शन पॉइंट है वो वन और ये प्रतिस्थापी एथिल है और वन पे मैथिल है. ठीक है, मान लो कि प्रतिस्थापी के रूप में कुछ ऐसा है, मान लो ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये, वैसे तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, तृतीयक ब्यूटिल, लेकिन ये फंस गया प्रतिस्थापी के रूप में. अब तो मैं कहूंगी ठीक है, जिसकी श्रृंखला खाली है उसको एक नंबर दे दो और ये दो. तो देखो यहाँ लॉन्ग चेन जो है ना बच्चा वो दो की आ रही है, तो मैं यहाँ लॉन्ग चेन दो की आ रही. अब वन पे क्या लगा है, दो बार मैथिल लगा है, तो आप लिखो वन वन डाई मैथिल, वन वन डाई मैथिल और फिर लिखो एथिल. ठीक है, वन वन डाई मैथिल एथिल, ये इस प्रतिस्थापी का नाम है और ये किसी के साथ कनेक्टेड है, उसके जिस नंबर पे फिर इसको पकड़ ले. अभी एग्जांपल दूंगी, है ना. मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फंस गया कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, यहाँ से कनेक्शन है और CH3, मतलब अगर देखा जाए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, लेकिन जिस कार्बन से मैंने कनेक्ट किया है, जहाँ से हैंग किया है, जिसकी संयोजकता खाली है, मुझे तो इसको वन देना है. तो भाई ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो ये प्रोपिल है और इस प्रोपिल में वन पे मैथिल लगा हुआ है, तो इस प्रतिस्थापी का नाम होगा वन मैथिल प्रोपिल. समझे मेरी बात, वन मैथिल प्रोपिल, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता. ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है ना, आपको पूछा कि भाई इसका ऐसा करो, एल्केन है, एल्केन की तो नेमिंग आती है, तो भाई प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है और एल्क या क्या लिखना है, मैथ एट प्रोप लिखना है और एंड में सफिक्स एन लगाना है, सिंगल बॉन्ड है, तो अब ऐसा करो इसका UPAC नाम लिखो. तो हम कहेंगे दिख तो ठीक रहा है, लंबी श्रृंखला भी सीधी दिख रही है ना, तो पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हम कहेंगे ठीक है सीधी सीधी लॉन्ग चेन दिख रही,
अब यहां से चलो तो एक दो तीन चार पे कुछ है, यहां से चलो तो एक दो तीन चार पांच पे है, तो मैं लेफ्ट से चलूंगी, है ना। मिनिमम नंबर देना है तो मैं कहूंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब वैसे तो मुझे पता है आइसोप्रोपिल, देखो 51 पे 2 मैथिल आइसो शब्द आता है तो ये आइसोप्रोपिल है, लेकिन मैं आइसोप्रोपिल तो नहीं लिखूंगी आईयूपीएससी में, तो मुझे इसकी भी आईयूपीएससी करनी पड़ेगी। तो ये हैंगिंग है, ये एक प्रतिस्थापी है जिसका खुद का इस आईयूपीएससी नाम होना चाहिए, फिर वो मुझे लिखना है अच्छा भाई 4 पे ये लगा हुआ है, तो अगर मुझे इसका आईयूपीएससी लिखना है तो मैं कहूंगी देखो 4 4 पे क्या लगा हुआ है, तो 4 पे एल्किल लगा हुआ है कौन सा, तो देखो या तो यहीं से कर लो, है ना, ये कनेक्शन पॉइंट है बेटा, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था इसकी खुद की नंबरिंग करो, तो ये एथिल है और 1 पे क्या है मैथिल है, और डैश पे करना चाहो तो डैश में कर दो क्योंकि तुम्हें लगेगा 1 तो ये है, तो 4 पे क्या लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी 1 डैश मैथिल एथिल, है ना। अभी मैंने तुम्हें सिखाया था ना, देखो यही तो है ही, इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बोलो यही तो है बेटा, इसको नंबर 1 दे दो, है ना, चाहे 1 डैश दे दो तो 1 डैश मैथिल एथिल यही तो है। अब ये उस कंपाउंड में 4 नंबर पे लगा हुआ है तो 4 लिखो, तो मैंने 4 लिख दिया, और 4 पे क्या लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी 4 पे लगा हुआ है 1 डैश मैथिल एथिल, 1 डैश मैथिल एथिल। ठीक है, लॉन्ग चेन, तो मैं कहूंगी लॉन्ग चेन तो 8 की लग रही है ना, 8 की थी 9 की थी, 3 4 5 6 7 8 8 की है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम आ जाएगा ऑक्टेन। तो 4 पे है 1 मिथाइल इथाइल, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, तो हम कहेंगे ठीक है आईयूपीएससी लिखना है तो लंबी श्रृंखला, अब लंबी श्रृंखला तो मुझे सीधी ही दिख रही, तो हम कहेंगे ठीक है भाई लॉन्ग चेन सीधी है। अब देखो 1 2 3 4 5, और वहां से चलो 1 2 3 4 5, कहीं से ही चलो 5 नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो भी कनेक्टेड है वो 5 पे कनेक्टेड है ना। अब वैसे तो टर्शियरी ब्यूटाइल, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, तो मैंने आपको कहा कि भाई इसको ये कनेक्शन पॉइंट वाला कार्बन है इसको 1 दो और ये 2, तो ये एथिल है, और इसके 1 पे 2 क्या लगे हुए हैं मैथिल, तो मैं कहूंगी 5 पे लगा हुआ है 1 1 डैश डाई मैथिल एथिल, है ना भाई, 5 पे क्या लगा हुआ है 1 1 डैश डाई मैथिल और एथिल। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 कार्बन है तो बेटा नॉन लिख दो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दो, तो 5 पे 1 1 डैश डाई मैथिल इथे एथिल और 9 कार्बन के लिए नॉन, क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़े नेक्स्ट, देखो इस कंपाउंड की आईयूपीएससी करनी है तो हम कहेंगे फिर से लॉन्ग चेन देखें, तो देखो 3 4 और ऊपर जाऊं तो भी 5 6 और 4 5 6 7 आ रही है, और सीधी चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लॉन्ग चेन तो ऐसी ही कुछ आ रही है ना, तो हम कहेंगे कि अगर मैं ऐसी लॉन्ग चेन लूं, सपोज अगर मैं ऐसी लॉन्ग चेन लूं तो मेरे पास एक तो प्रोपिल छूट रहा है, एक और प्रोपिल छूट रहा है और एक मैथिल छूट रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं ये लॉन्ग चेन ना लूं और मैं सीधी लॉन्ग चेन लूं तो मेरे पास 2 ही प्रतिस्थापी आ रहे, तो इससे बढ़िया थी मैं ये वाली लॉन्ग चेन लूं, बस लॉन्ग होनी चाहिए, है ना। तो ये लॉन्ग चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और अगर मैं ये ना लेके ये लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई ये ज़्यादा बढ़िया है, ये ले लेते हैं, तकलीफ क्या है। ठीक है, तो ये भी एक नियम है, यदि लंबी श्रृंखला 2 एक समान हो या किसी कंपाउंड में 2 लंबी श्रृंखलाएं मिल रही हो तो उस लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो, है ना, इसको भी हम रूल बना के लिख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में
यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक लंबी श्रृंखला हो, ठीक है, एक से ज्यादा अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग चेन बना रहे हैं, एक से अधिक लंबी श्रृंखला हो, ठीक है भाई, हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा लॉन्ग चेन है, लंबी श्रृंखला हो, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे, उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्या हो, तो हम कहेंगे वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप है ना, या प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो, सब्स्टिट्यूएंट जो है ना बेटा वो ज्यादा होने चाहिए, प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वो मुझे सिलेक्ट करने, तो मैं कहूंगी चेन तो 8 की मिल रही है, यहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो भाई इसको ले लो, बढ़िया, क्या ही दिक्कत है। अब सब्स्टिट्यूएंट में देखो, ये तो मैथिल है, इसमें मुझे कुछ दिमाग लगाना नहीं था, ये प्रोपिल है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना था, और यहां तो मैं कहूंगी कनेक्शन पॉइंट को 1 दे दो, है ना, और ये 2, तो ये 1 मैथिल एथिल, ठीक है। अब चलूं कहां से, तो मैं यहां से तो क्यों ही चलूंगी, इतना दूर आ रहा है, मैं यहीं से चल लेती हूं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो मैथिल के बाद प्रोपिल आएगा, एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, लेकिन ये तो 1 मैथिल एथिल है ना, तो एथिल काउंट होगा इसको, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी, ठीक, तो ये हमारे पास है, देखो सबसे पहले 4 पे कौन है, तो मैं कहूंगी देखो 4 पे लगा हुआ है ये एथिल और आगे वाला मैथिल, तो 4 पे है 1- मैथिल एथिल, 4 पे है 1- मैथिल एथिल, ठीक है। फिर 4 पे क्या है, प्रोपिल भी है, और 2 पे क्या है, मैथ, तो पहले मैथिल लिखो, तो मैं कहूंगी ठीक है 2 पे मैथिल लिख दो, उसके बाद तो मैं कहूंगी 2 पे मैथिल के बाद 4 पे प्रोपिल है, तो 4 पे प्रोपिल लिख दो, अच्छा इसको ब्रैकेट में क्यों ही लिखूं, इसको सिंपल लिख दो 4 और बाद में डैश लगा के प्रोपिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बच्चों, तो 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ऑक्टेन लिख दो, खत्म, सिंपल सा नाम है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेमिंग अभी एल्केन की चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एल्केन की नेमिंग में भी बच्चों, है ना, ठीक है, चलो यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह का कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुछ खास है ही नहीं, और यहाँ से चल गई हूँ जाऊँगी तो मतलब यही हो सीधी है, तो मैंने कहा चलो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो तुम कहोगे सीधी ले लेते हैं, है ना, तो ये लॉन्ग चेन हो गई। अब देखो यहाँ से चलो 1, 2 पे मैथिल आ ही गया, यहाँ से चलो 1, 2, 3 कुछ नहीं आया, तो घर से निकलते ही, है ना, कुछ दूर चलते ही अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मैं तो वहीं से चलूँगी, फिर मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी, है ना, तो मैं कहूँगी हाँ यार कम से कम नंबर पे आ गया, वहाँ मैं कितना आगे भटकूँ, तो ठीक है यहाँ चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर। अब ये तो मैथिल है मुझे दिख रहा है, ये और ये सेम नहीं है क्या, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कनेक्शन पॉइंट को 1 दे दो, तो 1 और ये 2, तो ये तो 1- मैथिल एथिल है, तो ये भी तो वही है ना बेटा, ये भी तो 1- मैथिल एथिल है, और ये दोनों 4 नंबर पे लगे हुए, तो वैसे तो मैं इनको एथिल ही पढ़ूंगी, मतलब सब अल्फाबेटिकल लिखना है ना, तुम कन्फ्यूज हो, इसको लिखे मैथिल, ये भी तो मैथिल है, तो ये मैथिल नहीं, इसको एथिल मान के चलो, तो मैं कहूँगी देखो 4 पे 2 जने हैं, 4, 4, अब ये दोनों एक जैसे हैं बेटा, तो एक जैसे के लिए मैंने आपको टर्म बताया था बिस, बिस मतलब दो ग्रुप सेम है, डाई नहीं लिखना है, आई बस समझ में, इसके लिए लिखना है बिस, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये क्या है 1- मैथिल एथिल, 1- मैथिल एथिल, जो पहले से ही ऑर्गेनिक ग्रुप है ना और वो एक जैसा है, तो उसमें डाई नहीं लिखते हैं, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर मैं लिखती डाई मैथिल एथिल
तो बच्चों को लगता है ये क्या डाई मैथिल, मतलब दो मैथिल है, फिर दो एथिल है, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। इसलिए हम इस तरह के जो दो ग्रुप्स है उसके आगे बिस लिखते हैं। तो ठीक है, चार चार बिस, वन डैश मैथिल एथिल, टू पे मैथिल है, फिर से तो हम भेंगे यहां टू पे मैथिल है, और लॉन्ग चेन, तो बच्चे लॉन्ग चेन में सात कार्बन है, तो सात कार्बन के लिए हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हैप्टेन। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज हैप्टेन। ठीक है, अब हमें ऐसे कंपाउंड की आईयूपीएसी करनी है बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, है ना। अब अभी तक तो हम एल्केन की कर रहे थे, अब एल्कीन और एल्काइन में भी आ जाओ, तो हम कहेंगे ठीक है अब इनके लिए भी कुछ रूल्स लगेंगे, है ना, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में डीबी, डीबी मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, व टीबी यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, इनमें तुम द्विबंध त्रिबंध लिख सकते हो, डीबी टीबी दोनों उपस्थित है, अब क्या करूं, मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड भी है, अब तो तुम नंबरिंग कहां से करोगे, है ना, और दोनों अलग अलग स्थिति पे है। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे, कहां से करेंगे भाई, तो हम कहेंगे जो पहले आता है, घर से निकलते ही जो पास में उसी दुकान से सामान खरीद लूं, है ना, ज्यादा सोचो ही मत, तो हम समय बचाओ, आजकल इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम है, समय बचाना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग यानी अंकन वहां से करते हैं, जो पहले आता है, भाई डबल बॉन्ड एक नंबर पे आया तो डबल बॉन्ड को नंबर वन दे दो, ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे आया तो ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर दे दो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाभी जो पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो गई, तो जो पहले आता है, सोचना ही नहीं है डबल आया कि ट्रिपल आया, तो हम कहेंगे वहाँ चलो हम तो टेंशन फ्री, डबल आया तो डबल को दे दो, ट्रिपल पहले आया तो ट्रिपल को दे दो, अब एक पे आए दो पे आए पहले आना चाहिए। अब वो कहे कि नहीं भाई समान स्थिति पे, लेफ्ट से चलता हूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से चलता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अब फंसे यार, ये भी एक नंबर पे है, घर से निकलता हूँ तो ये भी आ जाता है, घर से निकलता हूँ तो वो भी आ जाता है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, डबल बॉन्ड में ई ने ई एनी, ट्रिपल बॉन्ड में आई ने वही ए नहीं, तो तुम्हें सिखाया था ना ईन जो है वो पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा ना, और मैंने कहा था इंग्लिश टर्म सीखो, तो ईन होता है डबल बॉन्ड ई एनी, वाई वाई एनी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग दे देते हैं, और तो क्या करें। ठीक है, तो एक और नियम, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक समान स्थिति पर हो, दोनों सेम पोजीशन पे आए तो क्या करें, एक समान स्थिति पर हो तो नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड को दी जाएगी, है ना, मान लो एक नंबर पर डबल बॉन्ड एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल वाले दूर जाने दो, एक नंबर वाले डबल बॉन्ड को पहले लो, तो नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड, ठीक है, नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड को डीबी को दी जाएगी, समझ गए क्या, इतनी सी बात है ना, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया जाएगा अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स है, मान लो ये कंपाउंड है, आपको इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है भाई, हम तो आईयूपीएसी पढ़ रहे थे टाइम से, आईयूपीएसी नेमिंग करो, तो हम कहेंगे ठीक है सबसे पहले लॉन्ग चेन, तो एक ही तो चेन है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से चलूँ वन तो कुछ आया ही नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं, तो मैं यहाँ से चलूँ ना वन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम कहेंगे ठीक है भाई नंबरिंग जो है वो राइट से कर लो। अब देखो पांच कार्बन है बेटा, तो पेंट लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही रहेगा, है ना, लिखते टाइम आइन पहले मत लिख देना, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पेंट और डबल बॉन्ड तीन नंबर पे, तो पेंट थ्री इन वन आई, है ना, पैंट थ्री इन क्योंकि ई एन ई और वन आई, भले वो एक नंबर में है पर रहेगा पीछे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में,
है ना भाई, क्लास में सबसे टॉपर बच्चे का नाम मान लो वाई से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है, तो ये थोड़ा ना टॉपर है आगे ले लो, नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहे हैं ना, तो भले ही वो टॉपर है पर उसको पीछे रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो, अब यहाँ चलो तो ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे, यहाँ चलो तो डबल बॉन्ड एक नंबर पे, तो मेरे को तो पता ही है कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजिशन पे हो तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे दो, ठीक है। तो अब लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है तो पेंट, डबल बॉन्ड एक नंबर पे है बच्चा तो पेंट 1-ईन, और ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पे है तो 4-आइन, ठीक है भाई, पेंट 1-ईन 4-आइन है ना, या 1-pentene 4-आइन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से चलो, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं यहां से चलू 1-2 मैथिल तो 3 पे आ रहा है, और यहां से चलू 1 तो मैथिल 2 पे आ रहा है, तो मैं यहां से चल लूंगी भाई, है ना, मिनिमम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो 2 मैथिल, 2 पे मैथिल है, 2 पे मैथिल है तो 2 मैथिल, 4 कार्बन सीधे हैं तो ब्यूट, बोलो 4 कार्बन सीधे ना तो मैथ है प्रो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाइईन, पर कहां पे है तो देखो 1-2 है तो 1 लिखना, 1-2 है तो 1 लिखना क्योंकि 1 को टच हो गया, और 3-4 है तो 3 लिखना, है ना, यहां पे भी यही था 1, ये 4 आइन, 4 और 5 के बीच में था तो 4 आइन, यहां 3-4 के बीच में था तो 3 आइन, मिनिमम वाला लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्यूट और क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1-3 डाइईन, तो 1-3 डाइईन, 2 मैथिल ब्यूट 1-3 डाइईन, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखो, है ना, इस कंपाउंड में इस बार 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं कहूंगी देखो लॉन्ग चेन तो आप यही बना दो, और मेरे हिसाब से कहीं से भी चले नंबरिंग सेम आ रही, देखो 1-2-3 1-2-3 तो 1-2-3-4-5, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला तो 5 की है बच्चों, मैथिल 3 पे आ रहा है तो 3 मैथिल, लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंट 3 मैथिल पेंट। अब आइन कितने पे हैं तो देखो 1 पे है, 4 पे है, 2 बार है तो डाई आइन, 3 मैथिल पेंट 1-4 डाई आइन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब यहां तो लॉन्ग चेन सीधी है, अब देखो एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, तो मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, फिर मैं यही देखूंगी 1-2-3 पे डबल बॉन्ड है, 1-2-3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, सेम नंबर पे ये तो भी टेंशन नहीं, तो 1-2-3-4-5-6, सेम नंबर पे नहीं भी होता तो मैं दिमाग नहीं लगाती, मैं सिर्फ ये सोचती डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो मुझे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो देखो यहाँ 6 कार्बन है बेटा तो हेक्स आएगा सबसे पहले, तो पहले हेक्स लिख दो। अब ईन कहाँ पे है देखो, तो 1-2 है तो 1 लिख देती हूँ, 3-4 है तो 3 लिख देती हूँ, डाई का डी नहीं काउंट होता है ना, ईन का ई नहीं काउंट होता है, तो 1-3 डाई ईन, और 5 पे आइन है तो 5 पे आइन, बस इतनी सी बात है, क्लियर, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, देखो अब हमारे पास ऐसे केसेस है व्हेन टू और मोर प्रीफिक्सेस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल रोमन लेटर्स, मतलब तुम्हारे पास प्रतिस्थापी तो 2 है लेकिन दोनों के नाम भी समान आ रहे तो तुम फंस जाओगे। जैसे मान लो देखो ये एग्जाम्पल है, पहला काम करो लंबी श्रृंखला का चयन, तो हम कहेंगे ये लो लंबी श्रृंखला तो सीधी चल रही, लॉन्ग चेन ले ली। अब यहां से देखो 1-2-3-4 क्लोरोएथिल है ना, 2 कार्बन है ना बेटा, एथिल और क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरोएथिल, तो यहां से चलो 1-2-3-4-5, ठीक है, तो ये भी क्या है, तो मैं कहूंगी ये क्लोरोएथिल है ना, 1-2-3-4 और 1-2-3-4-5 क्यों करे, इसको भी और ही कर देते है ना, लिख दिया है तो ठीक है, क्योंकि तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे तो फिर मजा नहीं आएगा, कंफ्यूज तो हो थोड़े। अब देखो 1-2-3-4 ये क्लोरोएथिल है, और यहां से भी चलूं तो 1-2-3-4 ये भी क्लोरोएथिल है ना, लेकिन ध्यान से देखो ये जो क्लोरोएथिल है ना बच्चे, ये है 1- क्लोरोएथिल,
और ये देखो कनेक्शन पॉइंट वन होता है ना, ये कनेक्शन है तो ये वन डैश, तो ये टू डैश क्लोरोएथिल है। तो मैं कहूंगी हाँ, एक तो मेरे पास है वन डैश क्लोरोएथिल, एक तो मेरे पास ये है भाई वन डैश क्लोरोएथिल। बात समझ रहे हो ना मेरी, कि भाई देखो प्रतिस्थापी रूप में एथिल तो है, लेकिन इस एथिल के एक नंबर पे क्लोरो है। ये एक नंबर क्यों है? क्योंकि कनेक्शन है, जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम एक नंबर देते हैं, अभी हमने सीखा था क्लास शुरू करते। तो ये वन डैश क्लोरोएथिल है, और ये तो मैं कहूंगी ये तो टू डैश क्लोरोएथिल है। तो ठीक है, चलो बात तो समझ में आ रही है कि एक वन डैश क्लोरोएथिल है, एक टू डैश क्लोरोएथिल है, लेकिन इसका नंबरिंग से क्या लेना देना? तो हम कहेंगे देखो अगर मैं यहां से चलूं एक दो तीन चार, और वहां से चलो एक दो तीन चार और पांच आता है, ये चार आता है, तो मैं अगर एक जैसे प्रतिस्थापी हैं जिनके रोमन लेटर्स भी एक जैसे हैं, रोमन मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ तो सेम है ना, नंबरिंग अलग अलग है, तो मैं कम वाले को नंबर दूंगी। मैं तो यहां से चलूंगी, सीधी बात है, वन टू थ्री फोर, क्योंकि वन डैश क्लोरोएथिल पहले आ जाएगा। तो ये जो आएगा ना मेरा, ये चार नंबर पर आएगा, चार पे मेरे पास है वन डैश क्लोरोएथिल, और ये जो है ना टू डैश क्लोरोएथिल ये पांच पे है, ठीक है, और बाकी जो लॉन्ग चेन है वो आठ की है, तो ऑक्टेन लिख दो, समझे? मान लो यहां से चलते हो तो वन क्लोरोप्रोपिल है, और वहां से चलते हो तो टू क्लोरोप्रोपिल है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे वन क्लोरोप्रोपिल को कम नंबर देना है। आई बात समझ में? और टू क्लोरोप्रोपिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें लगेगा टू पे क्लोरो थ्री क्लोरोप्रोपिल कर लो, ऐसे कुछ मान लो, तब भी वही रहना है, वन क्लोरोप्रोपिल को पहले लेऊंगी, थ्री क्लोरोप्रोपिल को बाद में लेऊंगी, ऐसे कर लो, ठीक है, और टू क्लोरोप्रोपिल भी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अगर एक जैसे प्रतिस्थापी हो, रोमन लेटर से एक जैसे हो, नाम समान हो, तो ये नंबर जो मिनिमम है ना उसके हिसाब से चलो, वन डैश क्लोरोएथिल को कम नंबर दो और टू डैश क्लोरोएथिल को ज्यादा नंबर दो, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अभी भी देखो ये एल्केन की नेमिंग है, और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो जैसे ये है, अब यहाँ लॉन्ग चेन है ना बेटा, लॉन्ग चेन तो दो की है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ना, देखो एक तो ये चीज ध्यान रखो, अगर बेंजीन को प्रतिस्थापी के रूप में लेना होता है, बेंजीन आपका चेन के बाहर रहता है, तो इसको फेनिल पढ़ते हैं, अगर हिंदी में लिखोगे तो फेनिल, इंग्लिश में लिखोगे तो फिनाइल, ठीक है, फिनाइल हो गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि फिनाइल है, इसका कनेक्शन पॉइंट हमेशा वन है, तो वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, तो भाई ये फोर डैश क्लोरोफेनिल है, चेक कर लो, ये तो फेनिल है, और फेनिल के चार नंबर पे क्लोरो है, तो ये फोर डैश क्लोरोफेनिल है, और ये देखो तो ये तो टू डैश क्लोरोफेनिल है, और अभी क्या सिखाया, मैं टू डैश क्लोरोफेनिल को कम नंबर दूंगी क्योंकि मुझे जल्दी मिल गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वन पे तो है टू डैश क्लोरोफेनिल, बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही, बता देना मुझे, नेक्स्ट टर्न पे वापस ले लो, ठीक है ना, वन पे क्या है टू डैश क्लोरोफेनिल, भाई वो फेनिल तो है ही ना, इसका कनेक्शन पॉइंट क्या है, इसका कनेक्शन पॉइंट वन है, या वन डैश कर दो, ये टू है ना, ये थ्री है, ये फोर है, और अगर आपको डैश नहीं लगाना है तो कोई जरूरी नहीं, आप डैश मत लगाओ, मैं इसलिए डैश लगाना सिखा रही हूं आपको क्योंकि आप फिर ये वन और फिर ये टू में कंफ्यूज हो जाओगे, आपके लिए वन टू है और ये वन डैश टू डैश है तो थोड़ा इजी रहता है। वन पे क्या लगा हुआ है, तो भाई क्लोरोफेनिल, तो मुझे लगा फेनिल तो वह, अब क्लोरो मेरे पास छह जगह कहाँ लगाऊं, तो तुम कहोगे टू डैश क्लोरोफेनिल। टू पे क्या है, तो फिर तुम कहोगे क्लोरोफेनिल, लेकिन इसके चार नंबर पे क्लोरो है तो फोर डैश क्लोरोफेनिल, ठीक है। और लंबी श्रृंखला में दो कार्बन है बच्चों, तो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथेन, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो अब मेरे पास कुछ आठ दस कंपाउंड है, तुम्हें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, मैं बताऊं उससे पहले फटाफट तुम खुद ट्राई करो, है ना। पहला काम लॉन्ग चेन, तो क्या तुम्हें दिखा, लॉन्ग चेन तो मैं सीधी ले लूं, ठीक है, पहला काम तुम्हें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, फिर लेफ्ट से चलेगी राइट से, तो जो पहले आता है वहां चल लो, तो लेफ्ट से तो मैं इतना दूर गई मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, जबकि मैं राइट से गई तो मुझे तो दिख गया सीधा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो मैं इंपॉर्टेंट होता ही, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड है अभी तक, तो हम कहेंगे ठीक है ऐसे चलो। अब ये एथिल है और वो मैथिल है, दो मैथिल है, डाई मैथिल कहाँ कहाँ है, टू और फोर पे, लेकिन लिखते टाइम तो एथिल पहले आएगा, तो हम कहेंगे हाँ चार पे एथिल आया,
तो लिख दो भाई, फोर एथिल, फिर टू और फोर पे दो मैथिल आए तो टू फोर डाई मैथिल। लंबी श्रृंखला में सात कार्बन है तो हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए ईन आता है तो हैप्टीन या वन हैप्टीन, नहीं लिखोगे तो वन ही कंसिडर होगा, बट हैप्टीन वन लिख सकते हो, हैप्ट वन ईन लिख सकते हो, वन हैप्टीन लिख सकते हो। सबसे करेक्ट हैप्ट वन ईन है, हैप्ट सात कार्बन, वन और ईन, और वन हैप्टीन लिख दे तो भी ओके है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट बोलो, क्या सबसे पहले लॉन्ग चेन में सीधी चेन सेलेक्ट कर लूँ? तो मैंने सीधी चेन सेलेक्ट कर ली। अब लेफ्ट पे एक नंबर में पूछनी है, और वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं सब प्रतिस्थापी की जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक देंगी, है ना, ये नियम है। अब तीन पे क्या है, तो क्या मैं लिख दूँ थ्री मैथिल? बोलो बच्चों, क्या मैं लिख दूँ थ्री मैथिल? लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बोलो? चार, तो चार के लिए मैथ है प्रो ब्यूट, तो ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आइन। कितने नंबर पे है? एक नंबर पे है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए वन ब्यूट आइन, या करेक्ट लिखूं तो मैं लिख देती हूँ ब्यूट वन आइन, तो आप लिखो ब्यूट वन आइन, क्लियर है? ठीक है, यहाँ आओ थर्ड में देखो, लॉन्ग चेन ये फेनिल है बेटा, है ना, डबल बॉन्ड बाहर है, फंक्शनल ग्रुप बाहर है, तो इसको प्रतिस्थापी पढ़ो, ये फेनिल पढ़ो और ये रहा। डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, भले ही वहां क्लोरो है तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दे दो। अब देखो थ्री पे क्लोरो है सी, और वन पे फेनिल है, फेनिल की स्पेलिंग याद रखेंगे पी से शुरू होता है ना, इसलिए तो मैं कहती हूँ उसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो। तो देखो थ्री क्लोरो, ठीक है, और वन पे फिनाइल है, चाहे तो फेनिल बोलो चाहे तो फिनाइल बोलो, बात एक ही। तो थ्री क्लोरो वन फिनाइल, तीन कार्बन के लिए प्रोप आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो प्रोप वन ई, वन प्रोपीन या प्रोप वन ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस वही लंबी श्रृंखला का चेन करें तो कहेंगे क्या है, सीधी तो चेन है, ठीक है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो तो दो नंबर भी है, तो फिर वहां से चलो कि ब्रोमो को एक नंबर मिल जाए, है ना, तो मैं राइट से चलूंगी। तो देखो वन पे ब्रोमो है तो ब्रोमो लिख दो, लंबी श्रृंखला में चार कार्बन है तो ब्यूट लिख दो, डबल बॉन्ड दो नंबर पे है तो ब्यूट टू ईन, वन ब्रोमो टू ब्यूटीन या ब्यूट टू ईन, एक ही बात है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट देखो, फिर से वही कहूंगी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, तो क्या तुमने सीधी चेन सेलेक्ट की? ठीक है, नाम लिख के बता दो पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से चलू तो दो नंबर पे क्लोरो है, राइट से चलू तो तीन नंबर पे क्लोरो है, तो क्या मुझे दो से चलना चाहिए, लेफ्ट से चलना चाहिए? टू पे क्लोरो है तो लिख दो ना टू क्लोरो, ठीक है। लॉन्ग चेन में चार कार्बन है तो बेटा ब्यूट लिख दो, डबल बॉन्ड दो बार है तो डाई ई, कहाँ कहाँ पे है तो वन पे है, थ्री पे है तो वन थ्री डाई ई। नेक्स्ट देखो, फिर वही लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्ग चेन तो सीधी है, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो तो भाई एक पे ही आ रहा है, तो यहां से चलो दो पे कुछ नहीं आया, दो पे आ गया क्लोरो, तो फिर मैं तो वहीं से चलूंगी, मिनिमम नंबर है ना, घर से निकलती कोई शॉप पहले आ जाती और सामान सेम है तो फिर वहीं से ले लो, आगे माता बची करो ही क्यों, पेट्रोल बचता है, समय बचता है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, चीज तो वही है क्लोरो, ठीक है। अब देखो टू क्लोरो थ्री एथिल, क्लोरो सी से शुरू होता है, एथिल ई से, पता नहीं होगा तो ए मान के चल लोगे फिर इन्हीं के चक्कर में, इसलिए कहती हूँ इंग्लिश में पढ़ो। तो देखो टू क्लोरो लिखेंगे बच्चों, टू क्लोरो, थ्री पे एथिल है तो थ्री एथिल लिखो, लंबी श्रृंखला में पांच कार्बन है तो पेंट लिखो, है ना, और ईन कहाँ कहाँ पे है तो भाई वन पे है और फोर पे है तो वन फोर डाई ईन, वन फोर डाई ईन। अब ये कंपाउंड है, अब इसे कॉम्पैक्ट कर दिया, मैंने आपको सिखाया है सी एस थ्री होल थ्री मतलब तीन मैथिले, सी एस थ्री होल थ्री मतलब तीन मैथिले और तीनों इसी कार्बन से कनेक्टेड है, तो देखो एक कार्बन और इनसे तीन मैथिल कनेक्ट करो तो तीन बॉन्ड बना दो, ठीक है। फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू,
फिर आपका वही काम है लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे सीधी सीधी चेन, ठीक है। थ्री थ्री डाई मैथिल लिखे, दो मैथिल है, थ्री थ्री डाई मैथिल, चलूंगी तो मैं वहीं से, तो थ्री कॉमा थ्री डाई मैथिल, थ्री कॉमा थ्री डाई मैथिल, ठीक है। और वन ब्यूटी, वन ब्यूटी, ब्यूट वन इन वन ब्यूटी, क्लियर। वापस देखो यहां पे लॉन्ग चेन, तो तुम कहोगे मैडम सीधी चेन है, इसमें क्या ही सोचो। अब देखो ये क्लोरो है, ये आयोडो है, क्लोरो सी से शुरू होगा, आयोडो आई से शुरू होगा, तो नंबर तो मैं यहां से चलूंगी तो दो पे क्लोरो आ जाएगा, वहां से चलूंगी तो दो पे आयोडो आ जाएगा, तो मैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलूंगी, तो अल्फाबेटिकल में ये दो नंबर पे आना चाहिए ना मैं क्लोरो, तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं कहूंगी ठीक है देखो, टू पे तो क्लोरो, टू पे क्लोरो, थ्री पे आयोडो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, ब्यूटेन, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल